everyone, how are you? I hope you are fit and fine and taking good care of yourself. Today I am going to start part 6 of chapter number 11 in the orchard, means following bagiche mein. So, in previous part, we have learned about different parts of the plant, different type of plants and about flowers, where do flowers grow and what are the use of flowers and about the roots. What is the work of root? What is the main function of root? Roots absorb water from the soil and support the plant. Let's start with the part 6 of chapter number 11. Ratan had seen a huge tree fallen down at the edge of a field. और रतन ने क्या देखा है? एक बड़ा सा पेड़ जमीन पर पड़ा हुआ है. She recalled the name tree of her school. और तभी उसे क्या याद आया कि उसके स्कूल का एक नेम ट्री जो टूटकर गिर गया था वो याद आया. She can see the damaged roots of the tree. वो देख सकती थी उसके उन ट्री के डैमेज रूट, यानी कि जो रूट्स उसके खराब हो गए थे. She thought, has somebody pulled out this tree or it fell down itself? और वो सोचती किसी ने इस ट्री को, इस नेम ट्री को उखाड़ कर गिरा दिया है, किसी ने स्ट्रीट को गिरा दिया है या अपने आप गिर गया है. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सच टाइप ऑफ बिग ट्री कैन नॉट फॉल. लुकिंग एट द इमेज ऑफ द ट्री वी कैन रिकॉग्नाइज इट सीम्स टू हैव फॉलन डाउन ड्यू टू अ साइक्लोन और ड्यू टू हैवी विंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी? ये ट्री कितना पुराना हो सकता है? So after observing its roots, we can conclude it is quite old. और इसके जो roots देखकर हमें पता चलता है कि ये बहुत ही पुराना है. Next question, how will the tree get water from between the rocks at the edge of the field? ये जो tree है, वो water कैसे उसको मिलता था? कहाँ से? So between the rocks at the edge of the field, पत्थरों के बीच में से जो जमीन के नीचे वो पानी कैसे लेता था? तो आफ्टर ऑब्जर्विंग द रूट्स वी कैन कंक्लूड इट कैन बी सीन दैट द रूट्स ऑफ द ट्री हैव गॉन डीप इनटू द सॉइल. और इस ट्री को देखकर हमें पता चलता है कि इसके रूट्स सॉइल में काफी गहराई तक गए थे. थस द ट्री मस्ट हैव एक्वायर्ड वाटर विद हेल्प ऑफ इट्स रूट्स फ्रॉम डीप अंडर द सॉइल. तो इन रूट्स की वजह से ये रूट यानी वाटर एब्सॉर्ब करते थे सॉइल की गहराई से. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स लिविंग ऑन द ट्री. कौन कौन से एनिमल्स ट्री पर रहते हैं? सो सम एनिमल्स लाइक स्क्विरल, बेट, मंकी लिव ऑन द ट्री एंड सम बर्ड्स आल्सो लिविंग ऑन द ट्री लाइक काइट, स्पैरो, देन आउल एक्स्ट्रा. हैव यू सीन एनी ह्यूज ट्री फॉलन डाउन? व्हाट डिड यू थिंक व्हेन यू सॉ इट? Yes, I have seen a big tree that had fallen down. हाँ, मैंने एक बड़ा सा ट्री पड़ा हुआ देखा था जो गिर गया था. At the time, I thought that the tree must have uprooted due to cyclone or due to strong wind. Next one topic is strange, freaky bird roots means विचित्र जड़ें. So, have you ever swung on a banyan tree? Yes, I have swung on the banyan tree that is in my village. मैंने मेरे गांव में बरगद का पेड़ है, उस पर झूला झूला है. So question, what do you call to swing? I held the prop roots of the banyan tree to swing. मैंने क्या पकड़ा था? तो बनियान ट्री के prop roots. What is the meaning of prop root? That you know, the roots which grow from the branches of a banyan tree that is known as prop roots. How do the hanging branches look like? So the hanging branches looked like the ropes tied to the tree. वो जो बनियान ट्री है उसकी लटकती हुई डालियां आपको कैसी लगती है? इट लुक्स लाइक रोप, ये रस्सी जैसी लगती है. ऐसा लगता है कि मानो किसी ने पेड़ में रस्सी बांधती हो. इट इज द रूट ऑफ बनियान ट्री, इट इज कॉल्ड प्रॉप रूट और एरियल रूट. ऐसे रूट जो बनियान ट्री के
ब्रांचेस से ग्रो होते हैं, तो उन रूट्स को हम क्या कहते हैं? प्रॉप रूट कहते हैं, एरियल रूट कहते हैं। नाउ सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉप रूट? सो प्रॉप रूट्स मीन्स द रूट्स that grow out of the branches of the banyan tree are called prop roots. What is prop root? So the roots that grow out of the branches of the banyan tree, ऐसे roots जो यानी banyan tree यानी बरगद के पेड़ की डालियों से ग्रो होते हैं, डालियों से उगते हैं, तो उनको प्रॉप रूट कहा जाता है। इट ग्रोज फ्रॉम द ब्रांचेस एंड टच द ग्राउंड, और ये ब्रांचेस से ग्रो होते हैं और ग्राउंड को जमीन को टच करते हैं। कबीरवन विच इज सिचुएटेड इन भरूच इज वेरी बिग, इट्स प्रॉप रूट्स आर गिविंग स्ट्रेंथ टू द बनियान ट्री लाइक पिलर्स था, और उसके जो प्रॉप रूट्स हैं उस कबीरवन को स्ट्रेंथ देते हैं, मजबूती देते हैं पिलर्स की तरह। बनियान ट्री हैज द प्रॉप रूट्स आल्सो एंड इनसाइड द सोइल द रूट्स आल्सो। हैव यू एवर सीन प्रॉप रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम अदर ट्री लाइक बनियान ट्री? क्या आपने बनियान ट्री की तरह दूसरे ट्रीज में भी प्रॉप रूट्स ग्रो होते देखे? नो, ओनली बनियान ट्री हैज द प्रॉप रूट्स। नाउ वी विल परफॉर्म वन एक्टिविटी। नाउ collect some things, like you have to collect one glass and cotton, rubber band and seeds of same kind. You can select the seeds of moong, you can select seeds of gram, or you can select seeds of wheat also. And what to do? You have to soak some seeds for whole night in the bowl filled with water. आपको क्या करना है, उन सीड्स को रात को भिगो देना है, पूरी रात पानी में रखना है। आई हैव टेकन सीड्स ऑफ मूंग एंड दैट आई हैव सोक्ड फॉर होल नाइट। नाउ ऑन द नेक्स्ट डे टेक कॉटन एंड वेटिंग, आपको थोड़ी रूई लेनी है और उसे गीला करना है। पुट द कॉटन ऑन द माउथ ऑफ द ग्लास, और उस कॉटन को आपको कहाँ रखना है? उस ग्लास के मुंह पर रखना है एंड टाइड विथ रबर बैंड और विथ अ थ्रेड, और उस कॉटन को आपको ग्लास के मुंह पर बांध देना है। टेक आउट सॉफ्ट सीड फ्रॉम द वाटर एंड पुट इट ऑन द कॉटन, और आपको क्या करना है, उन सीड्स को आपको बाहर निकालना है पानी से, और उसको कहाँ रखना है? उस कॉटन के ऊपर रख देना है। एंड टेक केयर द कॉटन विल नॉट ड्राई, और आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो रुई है वो सूखनी नहीं चाहिए। ऑब्जर्व द चेंजेस इन नेक्स्ट 10 to 12 days। आप क्या देख सकते हो? यू कैन ऑब्जर्व द सीड्स फर्स्टली स्प्राउटेड एंड कन्वर्ट इन टू सीडलिंग्स, एंड देन आफ्टर द सीडलिंग दैट ग्रोज इन टू द प्लांट, एंड वी कैन सी द रूट्स बिलो द कॉटन एंड द स्टेम दैट ग्रोज अबव द कॉटन। इन दिस वे वी कैन कंक्लूड द रूट्स ग्रो बिलो द ग्राउंड एंड द स्टेम ग्रोज अबव द ग्राउंड। डू यू नो विच थिंग्स कैन ग्रो? ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स लाइक वी, आवर हेयर, आवर नेल्स, ट्री, प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल, दैट ऑल थिंग्स कैन ग्रो। But table, chair, this board, chalk, that thing cannot grow because they are non-living things. So non-living things cannot grow and living things can grow. If you will see,
योर लास्ट टाइम्स हाइट इज नॉट सेम लाइक टूडे, आपकी जो लास्ट टाइम की हाइट थी वो अभी जितनी नहीं थी. ओके, इट इंक्रीज, और वो हाइट कैसी हुई है, इंक्रीज हुई है. योर हाइट इज इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई टोल्ड यू इन दिस वीडियो अबाउट द प्लांट, अबाउट द फ्लावर्स, अबाउट द टाइप ऑफ फ्लावर्स एंड अबाउट द रूट्स एंड अबाउट द थिंग्स विच कैन ग्रो एंड विच कैन नॉट. गो थ्रू द वीडियो. I will send PDF of this chapter in our WhatsApp group and we will meet soon in our online session to solve your doubts and queries. Thank you and have a nice day.